नमस्ते, आर्ट ऑफ टैरो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो ज़ेन टैरो के द कार्ड ऑफ इनोसेंस के बारे में, और कार्ड ऑफ इनोसेंस को हम कंपेयर करेंगे राइडर वेट के कार्ड द सन के साथ। तो द कार्ड ऑफ इनोसेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे द कार्ड ऑफ सन को। जब भी कार्ड ऑफ द सन हमारी रीडिंग में आता है, कार्ड ऑफ सन हमें बताता है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ पे सब कुछ खिला हुआ है। सन जब आपकी लाइफ में आ जाता है तो प्रकाश आ जाता है, और उसके साथ एनलाइटनमेंट भी आ जाती है, उसके साथ अंधेरा आपके जीवन से पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अंधेरे के जाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी ज़िंदगी में अब एक कॉन्शियसनेस आ गई है, अब एक जागृति आ गई है, अब आपकी लाइफ में वो जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, उस वो शुभ ही होगा। क्योंकि अंधेरा जो है अनकॉन्शियस को सिंबलाइज करता है, एक ऐसे एस्पेक्ट को जहाँ पे आपके ओल्ड पैटर्न्स जुड़े हुए हैं। अंधेरे का जीवन कुछ ऐसा है जहाँ पे आप देखने वाले नहीं हैं, जहाँ पे जीवन जो है एक अंधों की तरह जो है जीवन चल रहा है। जब सन आपकी लाइफ में आता है तब प्रकाश आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, और उसके साथ जुड़ी हुई सारी अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो भी साथ में आ जाती हैं। कार्ड ऑफ द सन स्टैंड करता है एनलाइटनमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, एक खिलावट के लिए। सब जगह फ्लावरिंग हो रही है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा जो है जो दिखाया गया है, जहाँ पे जिसको हम आगे कंपेयर करेंगे द कार्ड ऑफ इनोसेंस के साथ। दिखाया यही गया है कि आप दोबारा से बच्चे हो गए हैं, दोबारा से आपने जो है अपनी भीतर की जो सत्ता है, जो भीतर का जो आपका साम्राज्य है, वो आपको वापस मिल गया है, कि जो आपने खोया था वो दोबारा से पा लिया है। एंड यू हैव एंटर्ड द किंगडम ऑफ गॉड वंस अगेन। जीसस क्राइस्ट कहते हैं जो बच्चों की तरह होते हैं वो ही मेरे राज्य में उनको जगह मिलती है, वो ही परमात्मा के नज़दीक आ पाते हैं। क्या मतलब है? मतलब कि जहाँ पे कपट नहीं रहा, जहाँ पे कोई छल नहीं रहा, जहाँ पे आप बिल्कुल निर्मल हो गए, जहाँ पे आप बिल्कुल शांत हो गए, जहाँ पे आपकी आँखों में दोबारा से वो रोशनी आ गई, दोबारा से जो है आप जगमगा उठे, कि आप दोबारा से जो है अलाइव हो गए, दोबारा से जो है जागृत हो गए, और इस स्थिति में आप जो है परमात्मा के बहुत नज़दीक हो जाते हैं। तो ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन द कार्ड ऑफ द सन का। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ इनोसेंस की। कार्ड ऑफ इनोसेंस जो है ओशो ज़ेन टैरो का एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। हम देख सकते हैं कि कार्ड में जो है एक बूढ़ा आदमी जो है एक ग्रीन मेंटिस को जो है अपने हाथ में लेके देख रहा है, जैसे कि एक छोटा बच्चा जो है देखता है। उसकी जो आँखें हैं वो ऐसी आँखें हैं जैसे एक छोटे बच्चे की होती हैं। जब आप देखते हैं जब आप पिक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, जैसे आपस में एक दूसरे के साथ जो है बातें कर रहे हैं। अगर आप बच्चे को देखेंगे, बच्चा भी जो है अपने आसपास की सब चीज़ों के साथ जो है कम्युनिकेट करता है, सब चीज़ों के साथ जो है जुड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी, वो संवेदनशीलता जो है बच्चे के जीवन से चली जाती है। क्योंकि जब वो संसार में जाएगा तो ये सब कुछ जो है उसे छीन लिया जाएगा, वो इनोसेंस जो है उसे छिन जाएगी। क्योंकि ये इनोसेंस कुछ ऐसी है जो उसने अभी कमाई नहीं है, जो उसको जन्म के साथ मिली है, जो गॉड ने उसको गिफ्ट की तरह दिया है, इसलिए अभी उसकी कीमत नहीं है, अभी उसको दोबारा से उसको कमाना पड़ेगा, दोबारा से उसको। इनोसेंस इज बीइंग इन योर हार्ट। इनोसेंस मीन्स that you are living a life of truth, of sensitivity. जब आप अपने हार्ट में होते हैं, जब आप बिना किसी कपट के आप अपने भीतर जुड़े होते हैं, उस स्थिति को हम इनोसेंस कहते हैं। और उस स्थिति के अंदर एक बहुत सरलता है, एक बहुत ही एक ब्यूटिफुल उसके अंदर एक वाइब है, और ये कार्ड हमें उसी वाइब के बारे में बताता है कि दैट इनोसेंस इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ योर बीइंग।
जब आप अपने सेंटर में वापस आ जाते हैं, जितना आप अपने हार्ट के करीब आ जाते हैं, जितना आप अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं, उतने ही ज़्यादा जो है वो जो इनोसेंस है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाती है। और एक ध्यानी को, एक साधक को, जो भी इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहा है, उसको जो है वो इनोसेंस जो है दोबारा से कमानी पड़ती है। और उसको कमाने का एक ही तरीका है, जब आप अपने भीतर जो है उस ध्यान के साथ जुड़ते हैं और जितने गहरे अपने अंदर जाना शुरू करते हैं, तो आपकी जो इनोसेंस जो आपके भीतर छुपी हुई है, जो वो जो बचपन में थी, वही इनोसेंस जो है दोबारा से आपके आपके भीतर आनी शुरू हो जाती है। आप दोबारा से निर्मल हो जाते हैं, दोबारा से जो है आप एक आपकी लाइफ एक ऐसी हो जाती है जिसमें कोई कपट नहीं रह जाता। तो ओशो कहते हैं सिर्फ वो व्यक्ति जो ध्यान के साथ जुड़ता है, वही व्यक्ति जो है वो उस इनोसेंस के पाथ, वही व्यक्ति उसी के जीवन में जो है इनोसेंस वापस आनी शुरू होती है। तो जैसे जैसे आप ज़िंदगी में गहरे जाना शुरू करते हैं, अपनी साधना में जो है गहरे उतरने शुरू करते हैं, ध्यान के साथ जुड़ते हैं, तो नेचुरली वो इनोसेंस आपके पास वापस आती है। ध्यान करता क्या है? ध्यान आपके भीतर जो भी जो अनएसेंशियल है, जो भी आपका होना नहीं है, उसको हटा देता है। आपको एक शून्य की स्थिति में लाता है, आपको एक बहुत ही एक न्यूट्रल स्टेट में लेके आ जाता है, आपको दोबारा से जो है वो एक वो फ्रेशनेस जो है वो दे देता है, जिसके ज़रिए जो है आप इनोसेंस तक पहुँच सके। और जब आप इनोसेंस तक पहुँचते हैं तो नेचुरली जो है, क्योंकि आप इतने निर्मल हो जाते हैं कि एवरीथिंग बिकम सो सिंपल फॉर यू, सब कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी हो जाता है, ईजी टू हैंडल। फिर बाहर की कोई भी स्थिति हो, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उसको टैकल किया जा सकता है। एक सबसे बड़ी बात जो घटती है कि आपकी जो एक लड़ाई जो चल रही थी जीवन से, अपने आप से या किसी और से, वो लड़ाई जो है वो भीतर से गिर जाती है। बाहर का जो रोल है वो ख़त्म नहीं हो जाता, बाहर जो है जो आप जीना जो बाहर जो आप जी रहे हो वो आप कंटिन्यू रखते हो जीना। दुकान करते थे, दुकान करेंगे, फैमिली चलाते थे, फैमिली चलाएंगे, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा जो है चेंज आना शुरू हो जाएगा। अंदर ही अंदर जो है आप एक आपके अंदर जो है वो इनोसेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी और आप भीतर ही भीतर जो है वो शांत होते चले जाएंगे। तो जब आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जब आप इस अध्यात्म के रास्ते हो पे हो, तो एक ही क्राइटेरिया है, एक ही मापदंड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने भीतर जो है शांत होते चले जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है निर्मल होते चले जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इनोसेंट होते चले जाएंगे। दैट इज़ द राइट अप्रोच एंड दैट इज़ हाउ यू नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। और इनोसेंस नहीं घटने का सबसे बड़ा कारण तो यही है, क्योंकि जब आप बहुत सारे जो है आपके अंदर जो ज्ञान जो बैठा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा जो है आप अपने अंदर जो है सोच विचार जो लेके बैठे हुए हैं, जब वो गिरना शुरू हो जाता है, आपका जो मुझे थॉट प्रोसेस जो बहुत स्ट्रॉन्ग वे से चलता है, जब वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, देन वेरी नेचुरली बहुत ही स्वाभाविक ढंग से जो आपका इनोसेंट नेचर है वो उभरना शुरू हो जाता है। सो मैंस एवोल्यूशन इज़ फ्रॉम इनोसेंस टू इनोसेंस। जब बच्चा पैदा होता है तो इनोसेंट होता है, इनोसेंस जो है उसको गिफ्ट की तरह मिलती है, फिर वो इनोसेंस को जो है खोएगा। अब दोबारा से जो है वो जो जब वो अध्यात्म की यात्रा पे शुरू करता है अपना रास्ता, जब दोबारा से चलना शुरू होता है, तो दोबारा से एक ऐसी स्थिति बनती है कि वो इनोसेंस जो है उसको वापस रीगेन उसकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। सो इनोसेंस इज़ वन ऑफ द रिचनेस, एक बहुत बड़ी दौलत है। और जिसकी लाइफ में इनोसेंस आ जाती है, उसकी लाइफ में आप देखेंगे कि सब काम जो है बहुत ब्यूटीफुल ढंग से जो है अपने आप ही घटने शुरू हो जाते हैं। मैं अक्सर जो है मूवीज़ का जो है एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी है दी फॉरेस्ट गंप, और जब आप इस मूवी को देखेंगे आप ये देखेंगे कि इस मूवी का मैं रेफरेंस इसलिए देना चाहता हूँ कि एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इनोसेंस जब आपकी लाइफ में होती है, जब आप
लाइफ को ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जब आपके अंदर डाउट नहीं होता, तो आप देखते हैं कि सब चीज़ें जो हैं ब्यूटीफुल वे से सब चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, और आपकी प्रोटेक्शन भी होती है, आपकी टेक केयर भी हो जाती है, आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन वो मार्ग जो है कहीं ना कहीं भक्त का मार्ग है, वो एक डिवोटी का पाथ है कि जिसने जो है जीवन को जो है पूरी तरह से जो है ट्रस्ट कर लिया है कि अब जो भी उसकी लाइफ में घट रहा है वो ब्यूटीफुल ही उसको वेलकम करता है, उसको ब्यूटीफुल ही घटता है उसकी लाइफ में, फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसके लिए जो है जो उसका टेस्ट है, वो जो उसके मुंह में जो उसका जो स्वाद आ रहा है, दैट टेस्ट इज स्वीट, वो अच्छा ही स्वाद है, इसलिए अब उसके लिए उसके भीतर से कंप्लेंट नहीं रह गई है। एंड दैट इज वॉट इनोसेंस इज। और ओशो का ये जो कार्ड है इनोसेंस, ये आपको यही रिमाइंड कराता है कि अपनी भीतर की इनोसेंस जो आपने खो दी है उसको दोबारा से क्लेम कीजिए, उसको दोबारा से अपनी लाइफ में उतारिए। तो एक चीज़ याद रखिए, जिस इनोसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप बच्चे होते हैं, वो जो जिस इनोसेंस को जो है आप ले के पैदा आप पैदा होते हैं उस इनोसेंस को ले के, संसार उस इनोसेंस को छीन लेता है क्योंकि वो आपकी खुद की कमाई हुई नहीं है। सिर्फ वही इनोसेंस जो आपने अपने जीवन में कमाई है, जो आपने अपने जीवन में जो है एकत्रित की है, वो ही इनोसेंस जो है आपके साथ रहेगी, वो ही इनोसेंस जो है आपके साथ जुड़ी रहेगी, और उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अगर हम कंपेयर करें दी कार्ड ऑफ सन को और दी कार्ड ऑफ इनोसेंस को, अब आप समझ पाएंगे, अब आप देख पाएंगे कि दोनों कार्ड जो हैं काफ़ी सिमिलर हैं, क्योंकि सन कार्ड के अंदर जो है जो वो जो बच्चा है वो इनोसेंस का सिंबल है, और जब हम द इनोसेंट कार्ड को देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो के, तो हम देख सकते हैं वहाँ पे एक सूरज, एक एनलाइटनमेंट, एक लाइट, एक सन जो है वहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ पे ब्राइटनेस है। तो सन कार्ड में बच्चा आप देख सकते हैं, और इनोसेंस कार्ड में वो प्रकाश आप देख सकते हैं उस बूढ़े की आंखों में, उस बूढ़े के आसपास जहाँ पे कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पे जो है एक ब्यूटीफुल ग्रोथ है। तो जाते जाते एक स्टोरी आपके लिए, स्टोरी उस आदमी की है जो एक शहर से गुजरता था और उसने देखा कि एक बहुत ही एक बड़ा विशाल मंदिर जो है वो तैयार हो रहा है। तो बहुत सारे मजदूर थे जो उसको बनाने में लगे हुए थे। तो जब वो गुजरता था तो उसने एक मजदूर को जो है जो पत्थर तोड़ रहा था, उसने उसको पूछा, मेरे भाई क्या करते हो? उस मजदूर ने गुस्से से जो है उस आदमी की तरफ देखा और बोला, देखते नहीं हो पत्थर तोड़ा, आंखें नहीं है क्या? खैर वो यात्री जो है आगे बढ़ गया। फिर उसको एक और मजदूर उसने देखा, वो उसके पास गया और उससे पूछा, मेरे भाई क्या करते हो? उस मजदूर ने जो है बहुत ही उदासी भरी आंखों से उस यात्री की तरफ देखा और बोला, रोटी कमा रहा हूं, आपको दिख ही रहा होगा। खैर यात्री ने उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, अब वो थोड़ा और आगे बढ़ा और फिर फाइनली उसको एक वो आदमी मिला जो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पत्थर तोड़ने को बड़ा इंजॉय कर रहा है, वो पत्थर तोड़ने को जो है जैसे कि उसके लिए कोई गेम है, उसके लिए कोई प्ले है, उसके लिए कोई खेल है। तो वो गया उसके पास और पूछा, मेरे भाई क्या करते हो? पूछने पर उस आदमी की जैसे आंखों में एक रोशनी आ गई हो और उसने जो है बहुत ही एक्साइटेड होके बहुत ही खुशी से जो है उस यात्री की तरफ देखा और बोला, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। ये तीन आदमी हैं जो संसार में आपको दिखेंगे, पूरा संसार इन्हीं तीन आदमियों से बना हुआ है, और यही तीन आदमी जो है आपके भीतर भी बैठे हुए हैं। आप किसको मौका देंगे? आप कौन से आदमी हैं इसमें से? ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप या तो जो है उस पहले आदमी की तरह हो सकते हैं जो बस
किस तरह से निपटा रहा है, काम कर रहा है, मजबूरी है इसलिए लगा हुआ है। दूसरा आदमी जो है बस एक पेट पालने के लिए मजबूरी में वो भी काम कर रहा है। दोनों में जॉय नहीं है, दोनों में जो है कोई सेलिब्रेशन नहीं है, दोनों में दुख ही दुख नज़र आता है। और तीसरा आदमी जो कि पत्थर का काम, पत्थर ज़रूर तोड़ रहा है लेकिन उसके लिए वो बोझ नहीं है, उसके लिए वहाँ पे जो है एक सेलिब्रेशन है, उसके लिए वहाँ पे एक जॉय है। तो इस कहानी के ज़रिए मैं आप लोगों को एक ही इशारा देना चाहता हूँ कि इस तीसरे व्यक्ति की तरह जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर भी जो है एक जॉय और एक सेलिब्रेशन जो है आपकी लाइफ में आ जाए। कि कुछ भी करें, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, जैसे भी हो, अच्छे से जो है अपनी ज़िंदगी जिए और जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से स्वीकार करके उसके अंदर से ही कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करिए कि कैसे खुश हुआ जा सकता है। भगवान ने आपको ज़रूर वो टूल्स दिए हुए हैं कि किसी ना किसी ढंग से आप उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं टू बी हैप्पी। तो ओशो हमें जो है एक बहुत ब्यूटीफुल एक मैसेज देते हैं कि ये हर व्यक्ति की जो है एक पर्सनल चॉइस है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है या दुखी रहना चाहता है। सो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस इन अ वे। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि जो हमारी कंडीशनिंग है वो इतनी ईजी है कि हम उस दुख के अंदर जाना हमारे लिए कितना आसान है। तो आई गेस सारी की सारी बात जो है वो सारी की सारी इसी बात पे आके ख़त्म हो जाती है कि हमारे को वो कंडीशनिंग, हमारे को वो पैटर्न तोड़ने हैं जो हमें दुख में वापस लेके जाते हैं। हमें अपने आप को इस तरह से चेंज करना है कि हम अपने अंदर जो है उस सुख को जो है अपना सकें और सुखी रह सकें। नो मैटर वॉट, लाइफ में कुछ भी हो, जैसा भी हो, बाहर का ड्रामा चलता रहेगा लेकिन भीतर से जो है आपके वो खुशी जो है चुपचाप, चाहे बाहर जो है सबकी भीड़ ऐसी हो कि उदास हो रखे हो, तो आपको थोड़े टाइम के लिए बाहर जो है एक उदासी का चेहरा बनाना पड़े लेकिन भीतर की जो खुशी है ना उसको गिव अप मत करिए, उसके साथ रहिए। सो दिस वॉज माई एक्सप्लेनेशन फॉर यू द कार्ड ऑफ इनोसेंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको मिलूँगा अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।